Yeah.
सहेल से बैठे हैं जो निशान आपके लिए इस समय चल पड़ा है, चल पड़ा है, चल पड़ा है। नौजवान भाई खाटू गया,
27 तारीख को गुरुजी मैं भी खड़ा हूँ। तो मंदिर के बाहर लिखा है यहाँ फोटो खींचना। अब वो लड़का कहाँ का? दिल्ली का। अब पढ़े हुआ देख लिया, लिखा हुआ मोबाइल निकाला, फोटो खींचने लगा, कार्ड आ गया, भागा हुआ। पंडित जी थे कौन थे? फोटो खींचना मैंने फिर मोबाइल कार्ड की फिर उसे वापस रख लिया। अब वो दिल्ली का था, वो कार्ड वापस गया एक महीने बाद, उसने फिर निकाल लिया। वो फिर आ गया, उसने वापस जेब में डाल दिया। अब की बार क्या किया? आंखें खोली, जैसे ही बाबा दिखा, गार्ड को बुला बुला बता, अब फोटो खींचने से मना करके दिखा, आंखों में बिठा के ले जाऊंगा इसको। क्या बात कर रहा है? मगर आपको मेरी कसम, आज इस दरबार से 8 दिसंबर दिल्ली जनकपुरी जो उठाए दोनों हाथ, आप चले जाना उनके साथ, और जो बजाए ताली 12 महीने बजाएंगे वाली, और जो बजाए शोर कभी ना करे कम को। निकाल ले दो उसको, झाड़ू
थोड़ी सी झाड़ू खुद निकाली। सुबह उठते क्यों? शास्त्र कहता है उठो नारी काटो बाहरी, उठो नारी निकालो बुहारी। क्यों? बाहर खड़े कृष्ण मुरारी। हर दरवाजे के आगे आता है। ऐसे नहीं बुजुर्ग सुबह 4 बजे सैर करने निकल जाते, ऐसे ही संत 4 बजे नहीं उठ जाते, क्योंकि वो समय होता है जब ठाकुर जी की फ्लाइट लैंड करती है धरती पे। और जिसके घर में ठेकेदारी चलती ठाकुर कहता छोड़ दो आज चलते जाओ अपना पन्ने, और तुम इतने दबाव में बताना कि तू सोचा मैं लगा देता हूं। जिस घर में आदमी झाड़ू लगाता है घर से सब कुछ चला जाता है, और जिस दुकान में आदमी झाड़ू लगाता है उस दुकान की तरक्की को ये प्रकृति भी रोक नहीं सकती है, सब वो तरक्की करेगी करेगी। मेरा दोनों हाथ खोल के प्रेम से ये बात नजरिया किसी किसी को दिया है, अमीर सबको बनाया अमीरी किसी किसी को दी। कई बार करोड़पति के दरवाजे से भी भिखारी खाली चला जाता है, और कई बार रिक्शा चलाने वाला भी 2 रोटी खा रहा होता है और कोई मांग ले तो 1 दे देता है, बोले ठाकुर ने मुझे दिए तुझे भी देगा, तुझे दिए तो मुझे भी देगा। अमीरी अमीरी सीखो। कई बार करोड़पति होकर भी कंगाल रह जाते हैं, और अमीर कौन है उस दिन पता लगा जिस दिन नोटबंदी हुई। कोई टैची लेके यहाँ घूम रहा था, कोई यहाँ घूम रहा था, और मेरे जैसा जिसके पल्ले कुछ नहीं था वे देखेंगे सोचा। लेकिन जिन पर खाटू वाले की कृपा थी वो तब भी हंस रहे थे, वो तब भी हंस रहे थे, वो कभी उदास नहीं। एक बार प्रेम कह देना आंखों के पानी में